इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धरवड़ जो कर्नाटक में आता है ये इंस्टीट्यूट, उसका अभी पीजी एडमिशन का नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो वो जो लिंक दिया है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यहाँ पे क्लिक करके आप डाटा के पेज पे आ सकते हो। तो इन्होंने यहाँ पे दिया है कि देखो जो भी डिपार्टमेंट होगा, बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट होगा, केमिस्ट्री होगा, कंप्यूटर होगा, इलेक्ट्रिकल होगा या मैकेनिकल होगा, उनके सामने अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हियर पे जाके आपको सभी प्रोसेस करके अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जो उस डिपार्टमेंट का जो भी शॉर्टलिस्ट क्राइटेरिया होगा, प्रोसेस क्राइटेरिया होगा, शॉर्टलिस्ट होगा, तो जो भी अवेलेबल होगा मतलब वेटिंग होगा, सभी वो डिपार्टमेंट का यहाँ पे अपडेट होगा। ठीक है, तो ये लिंक सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिर्फ ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स डिपार्टमेंट इसमें इंक्लूड नहीं है, बाकी सब डिपार्टमेंट इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पे आपको ब्राउचर पे जाके अपन थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखने वाले इसके बारे में, तो एक्चुअली मतलब प्रोसेस क्या है, कैटेगरी कौन सी है, स्टाइपेंड कैसे मिल रहा है, वो सब हम बातें दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट डेट कितना है। तो 22 नवंबर से आ रहा है, 24 नवंबर लास्ट डेट है। ओके, और इंटरव्यू 11 दिसंबर को है। ओके, ऑनलाइन इंटरव्यू शेड्यूल ओके 11 दिसंबर को है, और फाइनल लिस्ट आपकी 18 दिसंबर को डिक्लेयर होंगे। ओके, और स्पॉट एडमिशन स्टार्ट है 26 दिसंबर 2020 से। ओके, समझ रहे हैं आपको, 22 नवंबर से एडमिशन स्टार्ट होने वाली है। ओके, लास्ट डेट है 22 नवंबर एप्लीकेशन भरने की। ओके, तो अभी आप जाके एप्लीकेशन भर सकते हो। मैंने गलती से बोल दिया था कि 22 नवंबर स्टार्ट होने, 22 नवंबर इज लास्ट डेट, और 24 नवंबर को शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की अनाउंसमेंट होगी। ओके, तो ये इसका हो गया पूरा डिटेल। बाद में हम देखेंगे कि जो भी MEMtech कैंडिडेट्स हैं उनको HRA मिलेगा 31,000 पर मंथ फर्स्ट 2 ईयर, देन 35,000 पर मंथ देन फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, और अप टू थीसिस सबमिशन। ठीक है, EMHRD से ये फंड मिलने वाला है, जिस पे यहाँ पे गेट का कुछ उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन आपको फेलोशिप लेने होगा, तो फेलोशिप के लिए एग्ज़ाम उनकी चाहिए। ये फेलोशिप आपकी रही तो आप एग्ज़ाम रही तो आप फेलोशिप भी ले सकते हैं, और इंस्टीट्यूट टीचिंग असिस्टेंट भी MHRD दे रही है, तो इसमें भी आप अप्लाई करके यहाँ पे भी स्टाइपेंड ले सकते हैं। PMRF भी यहाँ पे है, प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप भी है, एक्सटर्नली स्पॉन्सर भी है, EX, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे उन्होंने डिटेल दिया है। तो जो भी आपको अप्लाई करने के लिए जो भी एप्लीकेशन फ़ी है, वुमेन कैंडिडेट के 100 रुपये हैं, SC ST कैंडिडेट, ST ST PW कैटेगरी के लिए भी 100 रुपये हैं, और जो भी अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 200 रुपये हैं। तो आपको बैंक ऑफ इंडिया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें जाके ये पूरा प्रोसेस आपको करना है। ओके, बाद में देखने वाले हैं कि यहाँ पे उन्होंने इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेंट टू हॉस्टल, हॉस्टल के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है। बाइसिकल्स, बाइसिकल परमिटेड इन द कैंपस, पोजिशन ऑफ मोटोराइज व्हीकल नॉट अलाउड, हाउएवर बाइसिकल इज परमिटेड, साइकिल की परमिशन है। हॉस्टल के रूल्स दिए हैं उन्होंने, शेयरिंग बेसिस क्या क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे फीस, फीस देखेंगे सबसे अच्छी और सबसे कम फी है 9,600 रुपये फी है, हॉस्टल का कुल मिला के 10,000 तक जाएगा पर सेमेस्टर फी। नहीं, ये तो एडमिशन फी हो गया, थीसिस फी अगर दिया है, पर सेमेस्टर फी 10,000 रुपये दिया है, डिपॉजिट दिया है, टोटल आपको फिर 22,000 रुपये फी है, सबसे मतलब तो कम फी है, और अच्छे IIT में इतने कम फी में आपको पढ़ने को मिल रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको। और यहाँ पे उन्होंने दिया है द रिडक्शन ऑफ फी इज़ ड्यू टू COVID-19 कंडीशन, एंड इफ इन केस द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट इन फ्यूचर ड्यूरिंग सेमेस्टर, देन द रिड्यूस पोर्शन विल बी रिक्वायर्ड टू पेड ऑन फर्दर नोटिस ऑन प्रो बेसिस वॉट एवर एप्लीकेंट। देख लीजिए आप क्या, आप इसके बारे में क्या बोल रहा है। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए CGPA का क्राइटेरिया दिया है, 6.0 आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, फिर आपने सिलेबस उन्होंने दिया है टेस्ट का, जो भी रिसर्च टॉपिक का जो सिलेबस है वो टी सिलेबस यहाँ पे उन्होंने दिया है। ओके, टाइमलाइन, इंटरव्यू शेड्यूल ये आप अपलोड करेंगे, मतलब यहाँ पे उन्होंने सब कुछ उन्होंने डिटेल में दिया है, तो मैं ये लिंक डाल रहा हूँ, तो आप लिंक पे जाके वो डिटेल देख लीजिए। ठीक है, हम ये जो
पेज की लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं आपको, तो आप यहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन भर सकते हो। एंड हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पे जो भी लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आती है यहाँ पे हम पोस्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।